हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने आने वाली 10 सितंबर को भारत देश के पूर्व रूप से बंद रखने को लेकर पत्रकार वार्ता की, जिसमें प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमलेबाजी और हरियाणा में 156 वादे कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने लोगों के साथ वादा खिलाफी का काम किया। तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 10 तारीख को जो भारत बंद है उसके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जैसा कि आप सब जानते हो कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं सिर्फ जुमलेबाजी की है इन्होंने। एक भी ऐसा काम मोदी जी गिना दें तो हम उनका धन्यवाद कर देंगे। खट्टर साहब ने एक भी काम ऐसा नहीं किया। 156 वादे करके ये सरकार आई थी लेकिन बिल्कुल जीरो ग्राउंड पर आ चुकी है। हरियाणा कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने पिंजौर के यादविंद्रा गार्डन में महिला मोर्चा की कुछ नियुक्तियां की और उन्हें नियुक्तियां पत्र सौंपे गए। बाद में गार्डन के रेस्टोरेंट में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। लोगों के में हम बीच में हम जा रहे हैं, हमें लोगों का पूरा समर्थन मिल रहा है और 10 तारीख को पूरा भारत बंद होगा। आज हर महकमा, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो किसान हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे व्यापारी हों, इस सरकार से दुखी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने कहा कि देश में आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि, रसोई गैस सिलेंडर महंगा करना, देश में महंगाई को बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया है। राफेल घोटाला आपके सामने ही है और डीजल और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें किस तरह से बढ़ रही हैं। जब कांग्रेस के समय में अगर 50 पैसे भी किसी चीज़ की कीमत बढ़ती थी, इनके नेता और मंत्री अपने कपड़े उतार उतार कर प्रदर्शन करते। मैं उन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आज आप कहीं विदेश में चले गए हो, देश छोड़कर चले गए हो। हरियाणा के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि आज आप कहाँ। कांग्रेस प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने कहा कि बीजेपी पार्टी ने HMT फैक्ट्री को बंद कराने का काम किया है। सूरजपुर की सीमेंट फैक्ट्री भी बीजेपी के राज में बंद हुई थी। कालका विधानसभा में एक भी ऐसा काम नहीं है जो हमारी विधायिका ने किया हो। HMT फैक्ट्री को बंद करवाने का काम इन्होंने किया, सूरजपुर सीमेंट फैक्ट्री को बंद करवाने का किया और जिस तरह से आज मच्छरों का प्रकोप, आप समझते हो कितनी मौतें डेंगू से हल्के में हो चुकी हैं। कांग्रेस पार्टी प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल ने विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। विधायक का बयान आया कि हम फॉगिंग कराएंगे। अब फॉगिंग कराने से या दवाइयां डालने से कोई फायदा नहीं है। मैं समझती हूँ नैतिकता के आधार पर इन विधायकों को इस्तीफे देने चाहिए। इधर जिन कांग्रेस महिला नेत्रियों को आज नियुक्ति पत्र पार्टी प्रदेश महासचिव मनवीर कौर गिल की ओर से दिए गए, उन्हें कांग्रेस पार्टी और मनवीर कौर गिल का भी आभार व्यक्त किया। मनवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे जिला सचिव नियुक्त किया है। मनवीर कौर गिल जी हमारे जो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी हरियाणा प्रदेश की, मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ। हमारी नियुक्ति पर मैं इन सबका धन्यवाद करती हूँ।